सियाचिन ग्लेशियर, जिसे ऐसे तो गुलाब की घाटी होना चाहिए, लेकिन इस जगह ने हमारी इंडियन आर्मी की जिंदगी कांटों से भरी बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में अगर किसी ने नहाने की जरूरत की तो वो बेहोश तक हो सकता है। इतना ही नहीं, सियाचिन में अगर खुद को सर्दी से बचाने के लिए किसी सैनिक ने अपने कैंप्स को ज्यादा गर्म किया तो ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी के चलते उनका कैंप भस्म तक हो सकता है। लेकिन इनकी ये मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तरफ हम ऐसी जगहों पर अपने पैर तक नहीं उठा सकते, वहीं इन्हें कदम कदम पर अपने कंधों पर 30 से 35 किलो का वजन लेकर 20 से 28 दिन चलना पड़ता है, ताकि ये ग्लेशियर की ऊंचाई पर पहुंच सके। और इन सभी कठिनाइयों के बाद जानते हो इन्हें खाने के लिए क्या मिलता है? जमा हुआ अंडा, प्याज, अदरक, जिन्हें ये काटते नहीं बल्कि तोड़ते हैं। वेल फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव, आज आपको हमारे इंडियन आर्मी की ऐसी ही चैलेंजिंग जिंदगी का आईना दिखाने वाला हूं। इन आर टुडेस वीडियो टाइटल्ड इंडियन आर्मी लाइफ इन सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर में हमारी सुरक्षा में मौजूद इंडियन आर्मी के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर समुद्र से 24,000 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ बर्फ में घिरी हुई इस जगह पे ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से हमारी इंडियन आर्मी को यहाँ दिन रात रहना पड़ता है। दरअसल सच्चाई ये है कि सियाचिन ग्लेशियर पे सबसे पहले पाकिस्तान की नजर पड़ी थी और वो इस जगह को देखते ही समझ गया था कि सियाचिन से इंडिया की हर हरकत पे नजर रखना आसान हो जाएगा। लेकिन आजादी के बाद दोनों ही देशों ने शांति और अमल का एग्रीमेंट साइन किया था और इसी वजह से पाकिस्तान डायरेक्टली सियाचिन में नहीं घुस सकता था। इसीलिए उसने 1970 तक चुप चुप के सिर्फ इस ग्लेशियर पे चढ़ने का ही अभियान चलाया। हालांकि अपनी इस हरकत को वो ज्यादा दिन तक गुप्त नहीं रख पाया, क्योंकि 1981 में इसकी खबर इंडियन आर्मी के कर्नल नरेंद्र बुल कुमार को लग गई, जिसके बाद फौरन हरकत में आते हुए इंडियन आर्मी ने कर्नल कुमार को ये ऑर्डर दिया कि वो सियाचिन ग्लेशियर के पूरे इलाके का नक्शा बना ले, ताकि उन इलाकों को कब्जा करने में इंडिया को आसानी हो। जैसे ही इंडिया की इस हरकत की खबर पाकिस्तान को लगी, उन्होंने फौरन सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में करने के लिए एक मिशन बनाया, जिसके लिए ग्लेशियर्स की चढ़ाई करते वक्त इस्तेमाल होने वाली चीजों का ऑर्डर उन्होंने लंदन की एक कंपनी को दिया, जो पहले से ही इंडिया को ऐसी चीजों का सप्लाई करती थी। और आप तो ये जानते ही हो, इंडिया ने हमेशा सबसे पहले अपना भाईचारा बनाए रखा है। बस इसी भाईचारे की वजह से लंदन की उस कंपनी ने इंडिया को इन्फॉर्मेशन दी कि सियाचिन पर पाकिस्तान कब्जा करने जा रहा है। और फिर क्या था, पाकिस्तान को नाकामयाब करने के लिए अप्रैल 1984 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और पाकिस्तान के सियाचिन ग्लेशियर के टॉप पे पहुंचने से एक हफ्ते पहले ही खुद का झंडा वहां पर गाड़ दिया। इसके बाद जब पाकिस्तान सियाचिन की ऊंचाई पर पहुंचा, तब उसने देखा कि इंडिया ने सियाचिन पर तो कब्जा किया है और साथ ही उसके वेस्ट में स्थित सल्टोरो रिज को भी अपने हिस्से में ही ले लिया है, जहां फिलहाल इंडिया के 100 से भी ज्यादा बेस कैंप्स हैं। हालांकि भारत की इस जीत के बाद भी पाकिस्तान सियाचिन पर अपना दावा करता रहा और इसी वजह से 1984 से 1999 तक दोनों देशों में काफी खून खराबा भी हुआ है। लेकिन एक सच ये भी है कि सियाचिन में गोलियों से ज्यादा मौतें वहां के मौसम की वजह से हुई है, जिसका जिक्र खुद हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राव इंद्रजीत सिंह ने 2015 में लोकसभा को एक लेटर लिखते हुए किया था और बताया था कि ऑपरेशन मेघदूत के बाद से अब तक सियाचिन में मौसम की मार ने 869 सैनिकों की जान ले ली है। जवानों की हुई मौत से आपको इस बात का अंदाजा लग ही गया होगा कि सियाचिन ग्लेशियर का तापमान सांसों को भी जमा सकता है। वहां के हालत कुछ ऐसे हैं कि चाहे अंडा हो या प्याज या फिर इंसान की सांसें ही क्यों ना हो, सब कुछ जम जाता है। और इसी वजह से हमारे जवानों को ताजा पकाया हुआ खाना बहुत कम नसीब होता है। फिर भी पेट है तो उसको भरना भी तो जरूरी है, वो भी ऐसे खाने से जो शरीर को अंदरूनी गर्माहट दे। इसीलिए इंडियन आर्मी को चॉकलेट, गुड़ और चिकी जैसी चीजें रोजाना दी जाती है। और रहा सवाल खाने का, तो सियाचिन में इंडियन आर्मी को ज्यादातर पैक्ड खाना ही दिया जाता है, जिन्हें बस गर्म पानी में डालकर पकाया जा सके, क्योंकि यही चीजें -70 डिग्री सेल्सियस में आसानी से पका के खाई जा सकती है।
अब फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। ऐप का नाम है बायनमो और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस ऐप में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 700 रुपए में ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब हमें थोड़ा सा रुकना होगा एंड यस मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में इजिली 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको ये डिपॉजिट में डबल मिल जाएगा यानी कि 400 रुपए का टॉप अप करिए और आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। सो अभी रजिस्टर कीजिए इस ऐप में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और 65,000 अपने ट्रेडिंग डेमो अकाउंट में पाइए जिससे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और ट्रेडिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ट्रेडिंग की नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अर्निंग की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स ध्यान से ट्रेड करिएगा पूरा रिसर्च करके क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपका कैपिटल रिस्क में होता है। सो डाउनलोड Binomo now, link is in the description. I am a Binomist, are you? अब अगर आप ये सोच रहे हो कि उसके लिए पानी की जरूरत होती होगी तो हाँ बिल्कुल होती है और इसीलिए तो बेचारे बर्फ को पिघलाकर उसका ही इस्तेमाल करते हैं फिर चाहे उन्हें पानी पीना हो या अपने लिए कुछ बनाना हो। अगर साइंटिफिकली देखा जाए ना तो इंसान जितनी ज्यादा हाइट पे होता है उसे अपने बॉडी में एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए उतनी ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे सोल्जर्स के साथ चाहकर भी ऐसा नहीं हो पाता, उल्टा कई बार बेस कैंप से पकाया हुआ जो खाना आता है ना वो भी बीच रास्ते में ऐसे ही जम जाता है और सैनिकों तक पहुंचते पहुंचते उसमें कोई स्वाद ही नहीं बचता। और रहा सवाल इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग और उनकी लाइफस्टाइल का, तो आई एम श्योर अब तक आप जान ही गए होंगे कि सियाचिन ग्लेशियर में रहना बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। यहाँ काम करने के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती और जज्बात दोनों का फिट रहना बेहद जरूरी है। इसीलिए तो यहाँ पोस्टिंग से पहले सभी जवानों की लगभग 5 हफ्तों तक स्पेशल ट्रेनिंग होती है जिसमें शुरू के कुछ दिन उन्हें कश्मीर में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सियाचिन में उन्हें माउंटेन क्लाइंबर्स की तरह अपनी जिंदगी बितानी है। इसके बाद जब सैनिक ये लाइफ स्किल सीख लेते हैं तब उन्हें सियाचिन बेस कैंप लाया जाता है जहाँ उन्हें 21 दिन तक बकायदा सेना की तरह रेस्क्यू से लेकर डिफेंस तक सभी चीजें सिखाई जाती है और इसी दौरान उनके दिन की शुरुआत रोजाना 1 से 1.5 घंटे मिलने वाली फिजिकल ट्रेनिंग से होती है जिसके बाद उन्हें सियाचिन बैटल स्कूल में ऊंचाई पर बने ग्लेशियर पर चढ़ना उतरना, बर्फीले तूफान का सामना करना जैसी लाइफ सेविंग चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसे ही उनकी ये सब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद हर सैनिक को एक टेस्ट पास करना होता है और जो भी जवान इस टेस्ट को पास करता है उसे ही ऊपर सियाचिन ग्लेशियर में भेजा जाता है जहां उसकी पोस्टिंग सिर्फ 3 महीनों के लिए ही होती है। वैसे सियाचिन ग्लेशियर में पड़ने वाली ठंड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि वहां मैक्सिमम टेम्परेचर भी -30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में मैं और आप नहाना तो छोड़ो पानी के बारे में सुनना भी नहीं चाहेंगे और इसीलिए तो यहाँ पोस्टेड आर्मी के जवानों को भी ना नहाने की हिदायत दी जाती है और ना ही शेव करने की क्योंकि यहाँ के कम टेम्परेचर में स्किन एकदम नाजुक हो जाती है जिस वजह से अगर शेविंग के दौरान किसी सोल्जर को इंजरी हो गई तो उसका वो घाव भरने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग जाएगा। सिर्फ यही नहीं पोस्टिंग के बाद जितने भी सैनिक सियाचिन में रह रहे होते हैं ना उन पर हर पल जान का खतरा मंडरा रहा होता है क्योंकि इस बर्फीले रेगिस्तान में कौन सी जमीन कब धस जाए कब कहां से कौन सा तूफान आ जाए ये कोई नहीं कह सकता और इसीलिए यहाँ पर सभी सैनिक खुद को एक रस्सी से बांधकर ही कहीं भी आते जाते हैं ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन में वो एक दूसरे की मदद कर सके। बट फ्रेंड्स अभी आपको अंदाजा ये तो हो ही गया है कि क्या खतरनाक जगह, अलग लेवल खतरनाक। बट इनकी ये समस्याएं यहीं पर खत्म नहीं होती क्योंकि सियाचिन बेस कैंप से ऊपर ग्लेशियर तक इंडियन आर्मी को महीने का राशन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में मिलता है। मतलब सियाचिन के मौसम और वहां चलने वाली 160 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा में किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ा पाना मुश्किल है और इसीलिए वहां पर खास हेलीकॉप्टर चीता को उड़ाया जाता है जो महीने में एक ही बार सिर्फ 30 सेकंड के लिए ऊपर बनाए गए हेलीपैड पर रुककर राशन डिलीवर करता है ताकि उनके किसी भी मूवमेंट की भनक दुश्मन को ना लगे। पर अब अगर आपको लग रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर में रहने वाले सैनिकों की मुसीबतें सिर्फ यहीं तक है तो मैं बता दूं ऐसा भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि सियाचिन में इंडियन आर्मी को दुश्मन के साथ साथ मौसम से भी दो दो हाथ करना पड़ता है जिसमें कई बार सिचुएशन ऐसी खराब हो जाती है कि नींद में ही ऑक्सीजन की कमी से सैनिक की मौत हो जाती है और इसीलिए यहाँ रहने वाले हर सैनिक को अपने कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना पड़ता है सावधानी के साथ लंबी सांसें लेते हुए क्या पता कब कौन सी लापरवाही उनकी जान ले ले।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ सैनिकों तक ही सीमित है, क्योंकि ये सैनिक अपना घर परिवार छोड़कर हमारी हिफाजत के लिए बर्फ के ऐसे रेगिस्तान में रह रहे हैं जहाँ उनका मरना भी हमारे लिए किसी श्राप से कम नहीं है। इसीलिए तो इनकी जिम्मेदारी भारत सरकार ने उठा रखी है और वो रोजाना सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद 3,000 से ज्यादा सैनिकों पर 6 करोड़ रुपए खर्च करती है ताकि उन लोगों तक खाना पीना और जरूरत की सभी चीजों को पहुंचाया जा सके। केवल इतना ही नहीं, इन सैनिकों को बर्फीली हवा और दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए 7,500 करोड़ के माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी खरीदे हैं, जिससे उन्हें पहाड़ चढ़ने उतरने में और दुश्मनों से लड़ने में मदद मिलती है। हालांकि भाई लोग, ये सभी चीजें बस यही सवाल उठाती है कि आखिर क्यों सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के लिए इतना जरूरी है, जिस वजह से सरकार ने वहां जानलेवा परिस्थितियों में भी हमारी सेना को तैनात करके रखा है। दरअसल आप लोग तो जानते ही हो, आजादी के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी का माहौल रहा है, इसीलिए शांति और अमल बनाए रखने के लिए 1949 में कराची एग्रीमेंट और 1972 में शिमला एग्रीमेंट दोनों ही देशों ने यह तय करते हुए साइन किया था कि काराकोरम की पहाड़ियों के पास मौजूद सियाचिन ग्लेशियर में कोई भी देश घुसपैठ नहीं करेगा। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि काराकोरम की पहाड़ियों में LOC के खत्म होते ही एक तरफ NJ 9842 जो पाकिस्तान के बाल्टिस्तान का एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ जो चाइना के अक्साई चीन का पॉइंट है, वो किसी भी हालत में सियाचिन की वजह से एक हो जाए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर दोनों में से किसी भी देश ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया तो उसके लिए हमारी हर हरकत पर नजर रखना तो आसान हो ही जाएगा। साथ ही ये दोनों देश अपने राजनीतिक रिश्तों की वजह से एक साथ इंडिया पर हमला भी कर सकते हैं, और ऐसा होने पे इंडिया के लिए अपने दो दुश्मनों से एक साथ लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से इंडियन आर्मी को सियाचिन में खराब हालातों में भी तैनात किया गया है ताकि वो दोनों ही देशों में जन्मी इस दूरी को ऐसे ही बनाए रखे। और साथ ही सियाचिन ठहरा दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा बैटलफील्ड, जहां से भारत के लिए अपने दोनों पड़ोसी देश की हरकतों पर नजर रखना भी आसान हो जाता है। इन्हीं सब वजहों से हमारी आर्मी को सियाचिन में रूह जमा देने वाली ठंड में भी रहना पड़ता है। किंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सरकार सियाचिन में रह रही इंडियन आर्मी के हालात को सुधारने की काफी कोशिशें कर रही है, लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो है हमारे सैनिकों की सुरक्षा। देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान की ये लड़ाई कब खत्म होगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन क्या ऐसे ही हर बार सियाचिन में रह रहे हमारी सेना के लोगों की जान महज ठंड के वजह से जाती रहेगी? क्या गवर्नमेंट कुछ और नहीं कर सकती ये सबको रोकने के लिए? आपका क्या ख्याल है इस मामले में, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो तो। साथ ही अगर आप भी इंडियन आर्मी के इस जज्बे को सलाम करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और फैमिली मेंबर्स के साथ भी, ताकि उन्हें भी पता चले सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी की लाइफ कैसे होती है। और फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आगे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट को और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, keep learning and keep growing. Jai Hind!